अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ अजलान महमूद मलिक फ्रॉम अजलान ट्रॉनिक्स। गाइस कैसे हैं आप लोग, सब ठीक हैं? अच्छा गाइस, आप लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर एक शॉर्ट देखा होगा जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपनी शर्ट के अंदर करोला की फॉग लाइट्स डालूंगा। जो मैंने आपको फॉग लाइट्स दिखाई भी थी, C6 के LED बल्ब भी दिखाए थे, मेरे पास सब चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, सिर्फ मेरे पास ये बटन नहीं था फॉग लाइट्स को ऑन ऑफ करने वाला। तो ये बटन जो है मैंने daraz.pk से मंगवाया है। इसकी जो कॉस्ट है वो पाकिस्तानी जो है 1000 रुपीज़ का मुझे पड़ा टोटल, इसकी जो है शिपमेंट की फ़ी वी के साथ जो है। तो ये चाइना से बटन मैंने मंगवाया है। तो ये बटन है गाइस, इसकी ओवरऑल लुक आप लोग चेक कर लें। 4 तारे हैं इसके अंदर, जिसमें से इसकी जो 2 वायर्स जो हैं ये इसकी बटन की वायर है जो इसकी रिले पे जो लगती हैं, और 2 जो हैं इसकी ये इसकी लाइट की वायर है। जब आप अपनी पार्किंग लाइट्स ऑन करेंगे तो उसके सिंबल के अंदर लाइट्स चलेंगी। ये बटन है। अब एक और मसला मुझे फेस ये करना पड़ रहा है कि इसका जो ये बटन जो है मेरी गाड़ी की जो डैशबोर्ड है उसकी फ़िटिंग के अंदर ये बटन आ नहीं रहा है, क्योंकि बटन बहुत छोटा है ये, और जो मेरी जो उसका जो होल जो है मेरी उसमें डैशबोर्ड का बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर ये बटन फिक्स नहीं हो रहा। तो उसके लिए फिर मैंने एक जो है एक चीज़ मैंने फिर तयन की है इसके लिए कि मैंने इसकी फ़िटिंग बनानी थी किसी तरीके से। या मेरे पास 2 सोल्यूशंस थे, या तो मैं इसको टेप करके अच्छी तरह से फुल मोटा मोटा करके उसको मैं उसको फिक्स कर लेता, जो कि बिल्कुल बुरा लगता। फिर मैंने क्या किया था, मेरे पास एक जब पुराना एक होता था ये CNG का, पेट्रोल CNG का जो स्विच होता है जो कि आपकी गाड़ी को CNG पर पेट्रोल पे शिफ्ट करता है, तो इसकी मैंने जो है बॉडी यूज़ कर ली थी। इसकी बॉडी को मैंने क्या किया, इसकी बॉडी को मैंने अच्छी तरह से काट दिया ऊपर से नाइपर से इस चीज़ की मदद से। तो और उसके बाद इसकी मैंने पूरी जो फिटिंग इसके अंदर बना ली। अब मैं क्या करूँगा, इस बटन को जो है मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से मैं एल्फी से और मैजिक अपॉक्सी स्टील से मैं फ़िक्स कर दूँगा ताकि बटन हिले ना, और उसके बाद जो है इस बटन के पीछे ये कैप लगा देंगे ताकि जो है हमारी वायर्स वगैरह पीछे से मूव ना हो, उसका जो ग्रिप है ये मूव ना हो पीछे से। तो मैं ज़रा जल्दी के साथ इस बटन को मैं ज़रा इसके ऊपर फ़िक्स कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को उसकी फ़ाइनल लुक मैं चेक करवाता हूँ। जी गाइस, फाइनली अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो बटन है वो तैयार हो चुका है। तो ये देखें, इसके साइड पे भी थोड़ा सा गीला है, मैंने मैजिक अपॉक्सी स्टील की कोटिंग की है इसके साइड पे, इसके अंदर एल्फी लगाई है, पहले बटन को मैंने फ़िक्स किया है प्रॉपरली, और उसके साथ इसके ऊपर जो है मैंने मैजिक अपॉक्सी स्टील की थोड़ी सी जो है कोटिंग कर दी ताकि थोड़ी सी इसकी फिनिशिंग भी आ जाए और थोड़ा सा बटन जो है वो सील भी हो जाए। और उसके बाद इसके पीछे से देखें, ये इसका कनेक्टर लगाया हुआ, इसका मैंने पीछे से कैप बंद कर दिया ताकि कनेक्टर मूव ना हो। और ये देखें, ये बटन है। तो ये मैंने इसको 12 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ मैंने कनेक्ट किया है, इसकी ज़रा लाइट दिखाने के लिए। तो मोबाइल की ज़रा फ्लैश लाइट मैं ऑफ करके आप लोगों को इसकी मैं ज़रा लाइट भी दिखा दूँगा किस तरह से लाइट आ रही है इसके अंदर से। जी गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर से हल्का सा रेडिश येलो कलर की लाइट निकल रही है इसके अंदर से। और जब इस बटन को मैं अभी असल में गीला है, इसको मैं प्रेस करूँगा तो चिपक जाएगा। मैं हल्का सा आप लोगों को दिखाने के लिए कर देता हूँ, इसके जो ऊपर जो आपको लाइट नज़र आ रही है, जैसे ही बटन हल्का सा प्रेस होगा तो ये भी लाइट ऑन होगी ऊपर से। देखें, मैं हल्का सा प्रेस करता हूँ उसको, ये देखें ये लाइट जैसे ही मैं बटन छोड़ूंगा ऑफ हो जाएगी, जैसे ही मैं प्रेस करूंगा लाइट ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप भी अपनी गाड़ी में फॉग लाइट्स लगाना चाह रहे हैं और बटन आपको कहीं से, अगर पुरानी गाड़ी है तो बटन अगर आपको नहीं मिल रहा, तो आप इस तरह से कोई भी गाड़ी का फॉग लाइट का बटन लेके और उसको आप इस तरह से उसकी फ़िटिंग बना सकते हैं। एक सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो हम लोगों ने जुगाड़ की है कि अपनी गाड़ी में बटन कैसे लगाएं हम लोग फॉग लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए। तो गाइस, आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।